नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल के आने वाले एपिसोड में जहां एक बार फिर से मीत अलावत बोलता हुआ नजर आने वाला है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस घर में रह पाओगी मीत हुड्डा से, और मीत हुड्डा से बोलता है कि तुम मुझे आज़ाद करो और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। लेकिन दोस्तों, मीत हुड्डा जानती है कि इस समय मीत अलावत पर जो हाथ है वो इस समय बर्फी देवी का है, और बर्फी देवी के इशारों से ही ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि ईसा की खुशी के लिए इस समय मीत अलावत वो कर रहा है जो इस समय बर्फी देवी उसे कह रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एक से बढ़कर एक नया नया ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आप लोग देख पाएंगे कि एक बार फिर से खुद मीत अलावत से बोलती हुई नजर आने वाली है मीत हुड्डा कि तोड़ू राम जितना तुझे इस पे सिर पे चढ़ाना चढ़ा ले, लेकिन बर्फी देवी ऐसी शैतान है, ऐसे सांप है कि ये तेरे परिवार को तोड़ने के इरादे से ही इसने अपनी बेटी की शादी तेरे से कराई है। इस तरीका से लगातार मीत हुड्डा समझाती हुई नज़र आ रही है अपने तोड़ू राम यानी कि मीत अलावत को। लेकिन दोस्तों, आप लोग देख पाएंगे कि बर्फी देवी की बेटी इस समय जो कि दुल्हन बनकर आ चुकी है इस घर में, लेकिन राज करने की फिराक में बर्फी देवी है, क्योंकि बर्फी देवी सोचती हैं कि अब मैं इस घर में आ चुकी हूं तो इस घर में खाली मेरा ही राज चलेगा। लेकिन दोस्तों, उसका राज नहीं चलना बल्कि अभी बहुत कुछ चलेगा, क्योंकि इधर पूरे ही गुस्से और पूरे ही भयभीत तरीका से अलग ही हैं, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीका से मीत अलावत लगातार समझाते हुए नज़र आ रही है मीत हुड्डा को कि मीत तुम इस घर से जल्द निकल जाओ, क्योंकि अब मेरी वाइफ तुम नहीं बल्कि मैं बर्फी देवी की बेटी को अपनी वाइफ मानता हूँ। लेकिन दोस्तों, जल्दी ही मासूम का चेहरा भी सभी लोगों के बीच में ऐसे एक्सपोज होगा कि मासूम की मासूमियत सब रखी रह जाएंगी, क्योंकि मासूम पहले से ही मीत हुड्डा से जलती थी, नफरत करती थी। लेकिन दोस्तों, इनके पीछे की कहानी मीत हुड्डा ने बता ही चुकी है। साथ ही दोस्तों, अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए। गाइस, थैंक यू सो मच।